Let k, comma capital K be the minimum and maximum values of function fx 1 plus x raised to power 0.6 upon 1 plus x raised to power 0.6 in 0 to 1. Then the ordered pair k, comma capital K is. So, if we see fx, kya hai hamare paas mein? Fx is equal to 1 plus x raised to power 0.6 upon 1 plus x raised to power 0.6. So, yahan se f dash x ki value ka jage equal to u by v की तरह differentiate करेंगे तो u का differentiation हो जाएगा 0.6 है ना आगे आ जाएगा और value आएगी हमारे पास 1 plus x raised to power minus of 0.4 और value रहेगी यहाँ पे 1 plus x raised to power 0.6 फिर आएगा minus में अब क्या होगा v का differentiation होगा और u ऐसे ही रहेगा ओके तो value आ जाएगी 1 plus x raised to power 0.6 और multiplication में क्या आ जाएगा x raised to power x raised to power what? Minus of x raised to power 0.6 का differentiation हो जाएगा x raised to power minus 0.4 और into में 0.6 और upon में देगी value 1 plus x raised to power 1 plus x raised to power 0.6 का whole square ठीक है अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम थोड़ा सा इसे simplify करता हूँ मैं तो 0.6 तो common आ जाएगा है ना तो 0.6 दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया ओके अब अगर हम देखेंगे अच्छा यहां पे मैंने एक मिस्टेक करी मिस्टेक क्या करी है लिखने में ये 1 plus x की पावर 0.6 नहीं 1 plus x raised to power 0.6 है ओके 1 plus x raised to power 0.6 तो अब क्या करता हूं मैं f dash x का साइन दिख रहा है मुझे किस टाइप का है या कहां पे 0 होता है तो मैं क्या करता हूं सिर्फ न्यूमरेटर वाली टर्म्स को लेता हूं तो न्यूमरेटर वाली टर्म्स में 0.6 लिखा हुआ है इसे मैं बोल देता हूं 3/5 होता है ये तो 3/5 मैंने कॉमन ले लिया ठीक है सिर्फ मैं न्यूमरेटर ले रहा हूं अब क्या बचा मेरे पास में यहां बचा 1 plus x की पावर कितना है 0.4 और ये लिखा हुआ है 1 plus x की पावर 0.6 तो आएगा इससे बोलता हूं 1 plus x की पावर कितना आएगा ये 3/5 ओके अपॉन में आएगा 1 plus x की पावर 2/5 माइनस 1 plus x अब क्या होगा x की पावर यहां पे क्या है हमारे पास में 1 plus x की पावर 0.6 है इसे लिख दूंगा 3/5 और यहां पे आ जाएगा हमारे पास में x raised to power 0.4 अब क्या करता हूं इसका साइन देखना है मुझे क्योंकि मैं न्यूमरेटर है हमारा f' x का एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम लेने पे इक्वेशन कर जाएगी x raised to power 0.4 आ जाएगा यहां पे तो अगर x raised to power 0.4 0.4 लिखने की जगह यहां पे 2/5 लिखना ही बेटर रहेगा मेरे को तो ये आएगा 2/5 तो x raised to power 2/5 into 1 is x raised to power 2/5 फिर आएगा x raised to power 3/5 into x raised to power 2/5 is x फिर आएगा माइनस में 1 plus x की पावर 2/5 into 1 plus x की पावर 3/5 is minus 1 minus x अब ये और अपॉन में आएगा हमारे पास में क्या x raised to power 2/5 into 1 plus x raised to power 2/5 और into में है 3/5 तो अगर हम ध्यान से देखेंगे x से x कैंसिल आउट होगा x की पावर 2/5 हमें पता है x है हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो उसमें x की पावर 2/5 हमेशा क्या होगा x की पावर 2/5 माइनस 1 ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा तो हमारा जो ये वैल्यू है ऑलवेज नेगेटिव है अगर न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव है तो नीचे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है f dash x का तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी हमारे पास में नेगेटिव रहेगी और अगर f dash x नेगेटिव है इसका मीनिंग क्या हो जाता है हमारे पास में कि fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन तो fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन अब अगर fx डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा ये इस तरीके से तो 0 के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम होगी और 1 के ऊपर वैल्यू मिनिमम होगी तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि मिनिमम वैल्यू क्या है स्मॉल k है ना तो मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर होगी 1 के ऊपर तो हमारे पास में कैसा बनेगा पेयर तो स्मॉल k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम हो जाएगी तो आएगा 2 की पावर 0.6 अपॉन 2 तो आएगा 2 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 0.6 अपॉन 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी जब वैल्यू 0 होगी तो आ जाएगा 1 के इक्वल तो इसे मैं सिंपलीफाई करूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी ये हो जाएगा हमारे पास में 2 रिस्ट टू पावर माइनस ऑफ 0.4 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इज 1 तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2